नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यूपीएससी की यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है आईएएस आईपीएस का, उसकी हम तैयारी कैसे करें, मतलब एज ए बिगनर हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी की तैयारी। तो वो बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, पता नहीं बहुत बड़े बड़े लेक्चर देखते हैं, फिर भी उनमें कुछ ना कुछ डाउट रह आते हैं। तो आज हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे इसके बारे में कि यूपीएससी की तैयारी कैसे स्टार्ट की जाती है। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यूपीएससी एक बॉडी है, ठीक है। यूपीएससी एक बॉडी है जो सिविल सर्विस एग्जाम कराती है, सीएससी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बॉडी होती है, वो क्या करती है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, और उनमें से एक एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, जिनमें आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस ये सारी पोस्ट आती है इनमें, ठीक है। मतलब जो आईएएस आईपीएस का पेपर है वो सीएससी का पेपर होता है, ठीक है। यूपीएससी ऐसे तो सिविल सर्विस एग्जाम कराती है, यूपीएससी एसएससी का एग्जाम कराती है। तो जो आईएएस आईपीएस आप समझते हैं वो यूपीएससी सीएससी का पेपर होता है, ठीक है। यूपीएससी यूपीएससी तो हम ऐसे ही नॉर्मल में बोल देती है, लेकिन पूरी बात क्या है, यूपीएससी सीएससी है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि यूपीएससी में क्या होता है, कौन कौन सब्जेक्ट होती है, कितने पेपर होते हैं, कितने टाइम के होते हैं, कौन क्या सिलेबस है, ठीक है। तो पहले तो आप यूपीएससी की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होती है, तो कुछ शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। यूपीएससी इसमें कौन कौन से पोस्ट होते हैं जनरली मैं बता दूं आपको, बेसिक बता दूं मैं आपको कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 25 पोस्ट होती हैं। कितनी पोस्ट होती हैं, 25, जिसमें से आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस ये चार क्या होती हैं, सॉरी ये दोनों क्या होती हैं, आईएएस आईपीएस क्या होती है, ऑल इंडिया सर्विस होती है, ये आईएएस और आईपीएस ऑल इंडिया सर्विस होती है। मतलब अगर आपकी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको भारत के किसी भी स्टेट में, भारत के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया में। आईएफएस क्या होता है, ये फॉरेन की होती है, यानी विदेशों के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो यूपीएससी में कितने पोस्ट पोस्ट होती हैं, यूपीएससी सीएससी में कितनी पोस्ट होती है, 25 पोस्ट होती है, जिनमें से कुछ मेन पोस्ट जो बच्चे जिन पर ध्यान देते हैं उनका सपना होता है, पहले नंबर पर आती है आईएएस, तो सबसे टॉप पोस्ट है आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी विदेश वगैरह के जो डील करते हैं वो लोग। तीसरे नंबर पर आती है आईपीएस, और चौथे पर आती है आईआरएस, और बाकी 25, बाकी जो आपकी 21 सर्विस है वो बहुत थोड़ी मतलब पीछे आती है, मतलब आपको ज़्यादा रैंक पर भी वो मिल जाएंगे, ज़्यादा रैंक मतलब कम रैंक पर, समझ रहे हो ना, ज़्यादा रैंक कम रैंक का क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आईएएस से टॉप है, आईपीएस थोड़ा उससे नीचे आता है, उससे नीचे आईपीएस, उससे नीचे आईआरएस, और बाकी जो 21 पोस्ट है, 21 पोस्ट में जैसे मैं आपको बता दूँ बहुत सारी होती हैं, रेलवे की जॉब होती है इसमें, रेलवे, और इसमें आपको वर्क ऑफिसर, बहुत सारी पोस्ट होती है इसमें, ठीक है, कमीशन वगैरह भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये चार पोस्ट होती है, चार पोस्ट के लिए बच्चे मेहनत करते हैं। तो ठीक है, यूपीएससी आपको पता कर लेना है कि यूपीएससी सीएससी में कितनी पोस्ट होती है। पहली देखिए, यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि यूपीएससी में कितनी पोस्ट होती है, ठीक है, पोस्ट वगैरह, और दूसरे नंबर पर कितने पेपर होते हैं, ठीक है, कितनी स्टेज होती हैं, क्या इसका पैटर्न है, पेपर पैटर्न क्या है, कितनी इसकी स्टेज होती है, प्रीलिम्स में, इंटरव्यू, ठीक है, फिर कैसे सिलेक्शन होता है इसमें, मतलब कितनी कट ऑफ जाती है, उसके बारे में मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से हो जानी है, ठीक है। ये आपका पार्ट, ये आपकी पहली स्टेज हो गई कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, बता रहा हूँ मैं आपको कि पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है आपको सब समझने के बाद कि कितने पोस्ट होती हैं, सैलरी वगैरह सब जानने के बाद, ओवरऑल जानने के बाद आपको क्या करना है, सिलेबस देखना है कि सिलेबस में है क्या, ठीक है। सिलेबस को एक बार देखना है, बस पढ़ना है कि क्या क्या उसमें लिखा हो, एक बार पढ़ने लग पढ़ना समझ में आया ना, कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है एक बार उसको, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है,
एनसीईआरटी बेसिक है, आपको रिफरेंस बुक पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। पहले नंबर पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दूसरे पर सिलेबस का सिविल्स को पढ़ कर देखना एक बार, तीसरे नंबर पर 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ज़्यादातर 11 12 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं पता है तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़िए, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। और चौथे नंबर पर क्या करना है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं यूपीएससी के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आंसर और प्रीलिम्स में कैसे, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उनको सॉल्व नहीं करना है, आपको पढ़ना है किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, किस टॉपिक से पूछे हैं, ठीक है, मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यूपीएससी में हर तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे आते, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके अकबर के पिता का नाम क्या था, अकबर की वाइफ का नाम क्या था, ठीक है। तो पी वाई को देखने में बस पढ़नी है, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है पी वाई को उससे, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिलेबस पढ़ना है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पी वाई को। अब ये 4 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो रेफरेंस बुक है उनको पढ़ना स्टार्ट करना धीरे धीरे, और साथ साथ 1 2 महीने, 1 2 महीने में एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, ठीक है। मतलब जो 6 PIQ का देखने के बाद आपको रेफरेंस को बहुत हल्के हल्के से स्टार्ट करनी है, और ये वो बहुत भारी हो जाती है, ठीक है। तो पहले 2 महीने में आपको एनसीईआरटी साथ लेकर चलनी है, और साथ साथ में थोड़ी रेफरेंस को थोड़ी थोड़ी पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये 4 क्या होती है बेसिक स्टेप्स हैं। एक और बार मैं आपको बता दूँ कि पहले क्या करना, और आपको अब मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूँ, ठीक है। तो यूपीएससी में कि क्या बताया मैंने, IAS IPS IRS IFS, ठीक है। IRS मतलब इनकम रेवेन्यू सर्विस होती है, टैक्स इनकम टैक्स से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसमें तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 आपके पेपर होते हैं, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका GS का और एक होता है आपका CSET का। यूपीएससी में कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं हम, एक होता है GS का, एक होता है आपका CSET का। GS में कितने क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और मार्क्स कितने होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। टाइम वही 3 घंटे, ठीक है। CSET में 80 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स 200 होते हैं, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन GS में, CSET में कितने होते हैं, 80 क्वेश्चन, वही 200 मार्क्स के, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वही 0.5 मार्क्स की, ठीक है। GS पेपर में क्या आते हैं, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स वगैरह, आर्ट एंड कल्चर, सॉरी आर्ट एंड कल्चर नहीं आता इस प्रीलिम्स में, वो मेंस में आता है, ठीक है। मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ जो आपको, मतलब इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो GS में क्या होता है आपका, ये 3 घंटे का पेपर होता है, ये होता है 9 से 12, 9 से 12 का पेपर होता है, मतलब एक दिन में होते हैं दोनों पेपर, 9 से 12 का GS का होता है, और फिर 1.5 घंटे ब्रेक देकर 3 घंटे का CSET होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह, साइंस एंड टेक एंड साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया, जैसे मतलब बायोडाइवर्सिटी वगैरह, साइंस साइंस से रिलेटेड कोई टॉपिक। CSET में क्या आता है, एक बार इसमें इंग्लिश आ जाती है, ऐसे मैथ आ जाती है ना, रीजनिंग वगैरह आ जाती है इसमें CSET में, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैराग्राफ आ जाते हैं, फिर उसमें आपको आंसर देने होते हैं उसमें से देख के, ठीक है, ये CSET होता है। GS में जी इस पर GS के अनुसार मेरिट बनती है, और CSET क्वालिफाइंग होता है, यानी 80 क्वेश्चन आएंगे CSET में, 200 नंबर के, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, 200 में से 60 मार्क्स आना है बस आपको, ठीक है। 200 में से आपको क्या करना है, ओनली 66 मार्क्स लाने हैं आपको पास होने के लिए। अगर आप 66 नहीं ला पाते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी इसके इसकी तो मेरिट, इसकी ये मतलब ये क्वालिफाई होना चाहिए, यानी मतलब 66+ मार्क्स आने चाहिए CSET में आपको, और GS के अनुसार मेरिट बनती है, यानी 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स में से आपको 150 जिस सरफेस कट ऑफ बनेगी, ऐसे 160 कट ऑफ बनी तो आपको 160 से ऊपर लाने तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और ये दोनों ही बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आपने इसकी इसकी तो मेरिट क्रॉस कर लिया, आपने इसकी तो कट ऑफ कर
क्लियर कर लीजिए, लेकिन सीसेट आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको ये क्वालिफाई करना है और इसके कट ऑफ पार करनी है, ठीक है। और आपको कट ऑफ बता बता देता हूँ मैं आपको। जो प्रीलिम्स सीसेट तो वही है, 66+ मार्क्स आने उसमें, और जो जीएस का पेपर होता है प्रीलिम्स में, उसकी कट ऑफ अप्रोक्स 130, 130 सॉरी 130, एक मिनट, 100 मार्क्स अप्रोक्स जाती है, 110 अप्रोक्स जाती है। ये आपको कम लग रहा होगा लेकिन बहुत ही टफ है इसको, इतना भी नंबर ला पाना, ठीक है। तो अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे हुआ, सीसेट को क्वालिफाई करके, यानी 66 मार्क्स प्लस लाके, और जीएस में कट ऑफ को क्लियर करके, फिर आप आता है मेंस। मेंस क्या करते हैं, मेंस को नहीं पर होते हैं, नौवीं पर होते हैं, ठीक है, मेंस को नहीं पर होते हैं, मेंस में नौ पेपर होते हैं। जीएस के पेपर चार होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, ठीक है। और दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, एक ऐसे का होता है, और दो कंपल्सरी पेपर होते हैं, मतलब जिनको कल क्वालिफाई करना होता है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेपर हो गए, GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल के दो पेपर, और एक ऐसे का पेपर, और दो क्वालिफाइंग पेपर, ठीक है। अब मुझे समझ नहीं करके, जो GS1 का पेपर होता है ये 250 नंबर का होता है, यानी GS के मतलब जो सारे पेपर होते हैं वो 250 250 नंबर के होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 और से सारे 250 250 नंबर के होते हैं, ठीक है। GS1 में आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी आ जाती है, ठीक है। GS1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, GS2 में आपके आ जाते हैं पॉलिटी वगैरह, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह, करंट अफेयर्स, तो हर पेपर में आता है, ठीक है। और GS3 में आता है आपका इकोनॉमिक्स वगैरह, इकोनॉमिक्स सोसाइटी के वगैरह में, सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब मेन मेन टॉपिक बता रहा हूँ, पहले सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको एक एक टॉपिक दिया हुआ है, इसमें ऑप्शनल वेबसाइट से आप चेक करेंगे सिलेबस, तो आपको एक PDF मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो GS1 में क्या रहता है, मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं आपको कि हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, और GS4 में आता है आपका एथिक्स। GS4 पेपर किसका होता है, एथिक्स का, एथिक्स मतलब कोई मतलब नैतिकता की बात होती है एथिक्स में, मतलब आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके सोचने का तरीका कैसा है, तो एथिक्स का पेपर होता है। और पांचवा जो पेपर होता है GS4 के, GS1, GS2, GS3, GS4 हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, ये तो सारे कवर हो गए इन चार पेपर में, 250 250 नंबर के चार पेपर है, ठीक है। समझ आया। फिर आते हैं ऑप्शनल के बारे में। देखिए आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में एक लिस्ट होती है, ऑप्शनल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, उसमें आपके करीब 25 30 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स मेडिकल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और भी बहुत सारे, बोटेनी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यार ये बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इनमें आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, ध्यान से सुनिए, एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और एक सब्जेक्ट के उसके दो पेपर होते हैं 250 250 नंबर के। सुनना नहीं, दोबारा समझाता हूँ, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है, उस सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं 250 250 नंबर के। तो ऑप्शनल के कितने पेपर हो गए, 500 नंबर के हो गए टोटल, ठीक है। GS1, GS2, GS3, GS4 250 250 नंबर के, 1000 नंबर के ये हो गए, ऑप्शनल के दो पेपर 250 250 नंबर के, 500 नंबर ही हो गए, कितने नंबर हो गए, 1500। और एक होता है ऐसे का पेपर होता है, ऐसे भी 250 का आता है, ऐसे फिर कितने हुए, 1700, एक मिनट, तो ऐसे का पेपर कितना होता है, 250 नंबर का पेपर होता है, यानी 250 नंबर पेपर होते हैं सारे, ठीक है। अब आते हैं हम कंपलसरी पेपर पर। कंपलसरी पेपर जो होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, और हम कंपलसरी पेपर कितने नंबर के होते हैं, कंपलसरी पेपर कितने होते हैं, दो पेपर होते हैं, ठीक है। और दोनों कितने नंबर के होते हैं, 300 300 नंबर के। एक बार मैं आपको बता दूँ, एक कंपलसरी पेपर तो इंग्लिश का जरूर होगा, यानी कंपलसरी पेपर कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। दोनों कितने कितने के होते हैं, 300 का, दूसरा भी 300 का होता है, ठीक है। और एक कंपलसरी पेपर वो होता है, वो इंग्लिश का होता है, यानी इंग्लिश का होता है, ठीक है, 300 नंबर का। और एक सब्जेक्ट आपको चूज करनी पड़ती है, यानी लैंग्वेज के पेपर हैं कंपल्सरी पेपर, जो कंपल्सरी पेपर हैं,
यानी एक लैंग्वेज तो आ गई इंग्लिश की, ठीक है, 300 नंबर की, और एक होगी आप कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, सकते हिंदी, मराठी, उर्दू वगैरह, ठीक है, यानी हिंदी चूज कर ली हमने, ठीक है, तो वो भी 300 नंबर की होगी, और 300 में से ये भी क्वालिफाई करनी, यानी 75 मार्क्स आने आपको, ठीक है, पास होने के लिए, और ये दोनों क्वालिफाई करना जरूरी है। और आपने वो सारे यानी आपको अच्छे मार्क्स लिया है उन चारों में टोटल मिलाकर, और आपको ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होने वाला, मेहनत बेकार है, तो ये भी आपको क्वालिफाई करनी है, ठीक है। तो कितने पेपर हो गए, 9 पेपर हो गए, GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे ही ऑप्शनल 2 पेपर और 2 कंपल्सरी पेपर, ठीक है। 7 पेपर ही आप डिसाइड कर देंगे, 7 पेपर ही आपका डिसाइड कर देंगे कि आप सब क्या होना है। 2 पेपर तो को क्वालिफाई है, उनसे कुछ होना नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, हो जाएंगे, ठीक है। और 7 पेपर से क्या बनेगी, 7 पेपर से आपकी मेरिट बनेगी, यानी 250 नंबर, 250 250 नंबर के 4 पेपर, यानी 1000 मार्क्स तो GS के हो गए, ठीक है, 250 250 नंबर, ऑप्शनल 500 ऑप्शनल के हो गए, और एक 250 किसके हो गए, ऐसे के हो गए, यानी 1750 का क्या हो गया, मेंस हो गया, और 1750 में भी कट ऑफ बनेगी, यानी प्रीलिम्स में आपको कट ऑफ बनी थी जैसे, तो मेंस में भी आपकी कट ऑफ बनती है, जैसे कट ऑफ बनी जैसे 700 कट ऑफ बनी, तो 700 से आपको ऊपर लाने तभी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इंटरव्यू तक पहुंच पाएंगे आप, ठीक है। तो 1750 में से आपको 700+ लानी है, मैं आप बता रहा हूँ, ये होता नहीं है, मतलब ये 700 नंबर मैं इसी लेके बता रहा हूँ, ज़्यादा कम होती रहती है, ऐसे एग्जाम्पल तौर पर तो बता रहा हूँ आपको, 700 नंबर से आपको ऊपर लाने हैं ताकि आप इंटरव्यू तक पहुँच पाएँ, ठीक है। फिर मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, ठीक है। और फिर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, मैंने इंटर क्लियर नहीं है, आपको इंटरव्यू में मार्कशीट दिए जाते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, अब इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में आपको मार्कशीट दी जाएगी, जैसे आपको मार्क्स दिए गए 200 200 बहुत हो गए, ठीक है, जनरली 200 बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ठीक है, और 200 मार्क्स आपको मान के चलिए इंटरव्यू में मिले, तो जो आपके मेंस में मार्क्स थे, यानी जो आपके मार्क्स मेंस में आपके जो नंबर थे, या से 1750 का मेंस था आपका, तो आपके आए 700 नंबर आए मेंस में, ठीक है, और ये इंटरव्यू में आपको 200, तो ये 200 इसमें जुड़कर आपके 1000 नंबर हो गए टोटल, यानी मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, उस बेस पर मेरिट बनती है, उस बेस पर रैंक बनती है और आपको पोस्ट मिलती है। एक और बार समझा देता हूँ, प्रीलिम्स, प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेयर होते हैं, सी सेट और GS, जी सी सेट को क्वालिफाई करना है, 200 नंबर का होता है, 66 मार्क्स आपको लाने हैं कम से कम, ठीक है, और उसके बाद GS होता है, GS 200 200 मार्क्स का होता है, कट ऑफ बनती है, ठीक है, प्रीलिम्स के नंबर जो जुड़ते हैं वो भी क्वालिफाइंग होता है मेंस के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो 200 में से आपको जितनी कट ऑफ बनेंगे उससे ज़्यादा लाने हैं तभी आप मेंस लग पाएंगी, फिर मेंस में जाकर आपके 9 पेपर होते हैं, 2 कंपलसरी पेपर होते हैं, यानी लैंग्वेज के पेपर होते हैं, वो क्वालिफाइंग होते हैं, 300 300 नंबर के होते हैं, 75 मार्क्स आने होते हैं, और 7 पेपर होते हैं वो उनसे नंबर जोड़ते होंगे, यानी वही आपके डिसाइड करते हैं कि आप सब क्या होने वाला, ठीक है। 7 पेपर कितने के हो गए, वो हो गए 1750 के, और 1750 में से मेंस की भी कट ऑफ बनती है, कट ऑफ करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू में आपको मार्कशीट दिए जाते हैं, और जिन जो बच्चे मीन्स ध्यान सुनिए, जो बच्चे मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे उन वो तो हट गए, वो तो हट गए, मतलब अगले साल देंगे वो, तो जो बच्चे क्वालिफाई करके आए थे इंटरव्यू के लिए उनके उनके मेंस में जुड़ेंगे नंबर, उनके उनका होगा आगे, वो तो जिनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था वो तो गए घर, ठीक है। तो जो बच्चे क्वालिफाई कर ले, उन्होंने क्वालिफाई करा था, उनके नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर जोड़ते हैं, उनके बेस पर आगे उनकी मेरिट बनती है, ठीक है। फिर फाइनल रिजल्ट आता है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं, मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, मेंस के 1750 का मेंस हो गया, 250 नंबर का, 275 नंबर का इंटरव्यू हुआ, ठीक है, तो 2175 का क्या होगा टोटल हो गया, ठीक है, 2175 क्या होगा टोटल, 2175 में से जो हाईएस्ट मार्क्स हैं आप तक के वो अप्रॉक्स 1100 हैं, शर्मा के आए थे अभी फिलहाल, ठीक है, 1100 नंबर, 1110 थे इसके बाद, ठीक है। तो आपको
आपको क्या करना है, ओवरऑल 1000 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, 2175 में से 1000 नंबर से ज़्यादा लाना है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने मेंस क्वालीफाई कर लिया, इंटरव्यू भी क्वालीफाई कर लिया, यानी इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू तक पहुँच गए वो, ठीक है, और उनके फिर लास्ट में देखिए प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया उन्होंने, मेंस कर लिया, किसी बच्चे ने क्वालीफाई कर लिया, प्रीलिम्स कर लिया, इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू भी हो गया उसका, ठीक है। फिर इंटरव्यू और मेंस के नंबर जुड़ेंगे, नंबर जुड़ने के बाद उसके कुछ नंबर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए 2175 नंबर थे, उनमें से आए उसके, मतलब मेंस क्वालिफाई करना था 700 नंबर पर, और उसके आए 701 नंबर आए, ठीक है, तो वो क्वालिफाई हो गया। लेकिन इंटरव्यू मिले उसके 200 150 नंबर मिले, ठीक है, तो 700 850 मार्क्स हुए उसके, ठीक है। लेकिन तब भी चांस है कि वो कोई भी पोस्ट उसका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है, क्योंकि सब बात मार्क्स पर डिसाइड करती है, ठीक है। और एक मोटा मोटी तौर पर आप बता देता हूँ मैं कि अप्रोक्स 10 लाख बच्चे क्या होते हैं, फॉरम फिलअप करते हैं, और 7 लाख बच्चे क्या होते हैं, प्रिलिम्स देने आते हैं। 7 लाख बच्चे, 7 लाख में से 7 लाख में से 20 हज़ार बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी मेंस लिखते हैं, 7 लाख बच्चे प्रिलिम्स देते हैं, और 20 हज़ार बच्चे मेंस लिखते हैं, यानी कितने बच्चे आउट हो गए, ठीक है। और 20 हज़ार में से 3 हज़ार बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, यानी 20 हज़ार में से जो 17 हज़ार बच्चे हैं वो घर गए, ठीक है। तो 3 3 हज़ार बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं, और 3 हज़ार बच्चे में से जो 3 हज़ार बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं उनमें से 1 हज़ार का सिलेक्शन होता है, ठीक है। 1 हज़ार जिन यार जितनी वैकेंसी होती है उतनी सिलेक्शन होती है, ठीक है, 1000 या 800 सिलेक्शन होते हैं। यानी आप मान कर चल सकते हैं कि आप इंटरव्यू देने गए तो 3 में से 1 का सिलेक्शन होना है, ठीक है। यानी जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं उनमें से 3 3 में से 1 का सिलेक्शन होना है, ठीक है। 3 हज़ार बच्चे अप्रॉक्स इंटरव्यू देते हैं उनमें से 1 हज़ार का सिलेक्शन होता है। तो ये था कुछ मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताया यूपीएससी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग बताऊं मैं, तो आईएएस बनने के लिए आपको अंडर 90 आना होगा, जनरल कैटेगरी वालों को अंडर 90 रैंक आना होगा, और दूसरे नंबर पर आना होगा आईएएस आता है इंडियन फॉरेन सर्विस, अंडर 150 रैंक आएगी तो आपको आईएएस मिलेगा। आईपीएस आता है 30 नंबर पर, जिसकी होती है अंडर 250, और आईआरएस 300 आती है, ठीक है। तो अगर आपको इन चार बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाना है तो आपको 300 से कम रैंक लानी पड़ेगी, तब तो आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ है मैंने आपको बताई, और सिलेबस आप देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया करने का, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको बेसिक इंटरेस्टिंग डेवलप करनी है, ठीक है। पहली बात क्या है कि आपको बेसिक इंटरेस्टिंग डेवलप करनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन कौन सी पोस्ट होती है, कैसे सब होता है, सिलेक्शन होता है, मैं आपको बता दिया इस वीडियो में। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि सिलेबस पढ़ना है आपको, एक बार निकाल कर आपको सिलेबस पढ़ना अच्छी तरह, ठीक है। 30 नंबर पर एनसीईआरटी करनी है। चौथे नंबर पर आपको क्या करना है, 1 मिनट, पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, ठीक है। सॉल्व नहीं कर रहे, बस देखना है किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था कुछ मेरे बता हुए था, और आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं कि जो ये बहुत छोटी छोटी बात होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, वर्ल्ड हिस्ट्री होती है वो सिर्फ 1 मिनट, जो वर्ल्ड हिस्ट्री होती है वो इतने काम की नहीं होती है, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसमें से एक दो, तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको बुक बता देता हूँ, बुक कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। पहले तो आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी अच्छे से, बिल्कुल इससे ठीक, और आप ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपका 10% सिलेबस तो ऐसे कवर हो जाए, होने लग जाएगा, ठीक है। जब आप पीवाईयू करेंगे इसे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक आती है, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक आती है, ठीक है। और
हिस्ट्री के लिए, ठीक है, हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। विपिन चंद्रा आप पढ़ सकते हैं, बहुत लेंथ पढ़ती हैं। और जो हिस्ट्री की, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और मिडिवल और एनसीईआरटी के लिए तमिलनाडु की बुक आती है, तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 11। तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक आती है, उसमें क्लास इलेवन की बुक में एनसीईआरटी और मिडिवल होती है। और जो 12th की बुक होती है, तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 12th की बुक होती है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री होती है उसमें, ठीक है। तो वो आपको नहीं पढ़नी है, आपको क्लास 11 की पढ़नी है, ठीक है। और किसमें एनसीईआरटी मिडिवल होती है, तो एनसीईआरटी मिडिवल तमिलनाडु एनसीईआरटी क्लास 11 से आप कवर हो जाएगी। और हिस्ट्री मॉडर्न स्पेक्ट्रम पॉलिटिकली एम लक्ष्मीकांत। और आप बिपिन चंद्रा की बुक आती है, 1 मिनट, इंपॉर्टेंट बात, बिपिन चंद्र मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र मॉडर्न मॉडर्न के लिए और सतीश चंद्र मेडिवल के लिए। लेकिन आपको ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी बुक्स आती हैं, आपको तमिलनाडु से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर ओल्ड एनसीईआरटी क्या आते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी क्या आते हैं, न्यू एनसीईआरटी अब वो होती है, क्या होता है। तो ये बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा बुक हैं, इनको ही ओल्ड एनसीईआरटी बोलती हैं। क्यों बोलती हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वो आपकी जो है, वो तो रियल है, वो तो रियल वाली एनसीईआरटी है जो आपकी होती है। एनसीईआरटी इन पर लिखा होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, वो तो पतली पतली एनसीईआरटी बुक आती है, वो तो रियल वाली एनसीईआरटी, उनसे न्यू एनसीईआरटी बोलते हैं। और ये रेफरेंस बुक होती है, ठीक है, रेफरेंस बुक है ये, इनसे ऐसे बोलते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। भूपेंद्र चंद्र, सतीश चंद्र ये बुक आते हैं, आपको इनको नहीं पढ़ना है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, अच्छा रहेगा। ये तमिलनाडु बोर्ड पढ़िए क्लास 11 की, उसमें एनसीईआरटी मिडिवल दोनों कवर हो जाएंगे आपकी, अच्छी तरह, ठीक है। और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम में ही पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। और करंट अफेयर तो आपको पढ़ना है, करंट अफेयर कैसे पढ़े, करंट अफेयर द हिंदू पढ़ो, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बीकॉम पढ़ो, बार बार पढ़ो, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं वो सिलेक्शन नहीं होता, कम पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। यूपीएससी के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना जो सिलेबस में है, सीधी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एनवायरनमेंट के लिए आप कोई बुक ले सकते हैं, बहुत सारी बुक आती हैं, तो संजीव वर्मा आती है, और बहुत सारी बुक आती है, आप 3 बुक आती हैं, उसमें से देख लीजिए कोई गूगल पर सर्च करके, ठीक है। से मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप मुरलांग सर के नोट्स आते हैं, 3 कंपाइलेशन आते हैं, 3 वॉल्यूम में बुक आती है, वो नोट्स आते हैं, मुरलांग पटेल सर के नोट्स आते हैं, थोड़े बल्कि हैं लेकिन उनसे हो जाएगा कोई। इकोनॉमिक्स बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को हल्के में नहीं लेना है, और पॉलिटी को हल्के में नहीं लेना है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बराबर के, और करंट अफेयर से, ठीक है। तो पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, मुरलाल पटेल सर के नोट्स पढ़ने इकोनॉमिक्स के लिए। और ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए आपको 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, अच्छी तरह। 11th में 2 एनसीईआरटी है, 12th में भी 2 एनसीईआरटी, उनको अच्छी तरह पढ़ना है, इसके अलावा कुछ कुछ भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी में इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। जी से लियोन बताते हैं कुछ लोग, वो बताते होंगे, लेकिन 11th 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टाइम वेस्टिंग है पढ़ना उसको, और अगर टाइम में जाता है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन संगानिया की बुक आती है, आर्ट एंड कल्चर के लिए आती है नितिन संगानिया, नितिन सिंघानिया की बुक आती है, बहुत बल्कि है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो एक उनके हैंड रिटन नोट्स भी आते हैं, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं आप, कि जो बुक आती है वो बहुत ही मोटी आती है, तो आपको शायद बल्कि लगे हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ, जो बहुत कम लोग बताते हैं, सिर्फ मोटे मोटे तौर पर बताती, मैं आपको बहुत गहराई में लेकर बता रहा हूँ, कि जो एनसीईआरटी मैंने आपको बताई 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, उसमें आपको जो 11th की बुक, एक एनसीईआरटी आती है, सॉरी 12th की एनसीईआरटी आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th की जो एनसीईआरटी है इकोनॉमिक्स की, उसमें 2 बुक आती है मैक्रो और माइक्रो, तो आपको माइक्रो नहीं पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, माइक्रो 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 नहीं पढ़नी है, मैक्रो पढ़नी है, ठीक है, माइक्रो का कोई यूज नहीं है, ठीक है, यहाँ पढ़ने वाले और टाइम वेस्ट करो, क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेकार बुक है, मतलब बेकार नहीं है, मतलब काम की नहीं है। तो ये था इसके बारे में, तो
और आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।